उत्तर प्रदेश में 2022 नवंबर में होने वाले नगर निगम के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मी तेज है। लगातार पार्टी के नेता ताबड़तोड़ जिलों के दौरे कर रहे हैं। इसी के चलते एआईएमआई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली मुरादाबाद में स्थित ईदगाह पहुंचे। उनका पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। नगर निगम में चुनाव को लेकर एक बैठक की गई और उस दौरान प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि मुरादाबाद के हर वार्ड पर एआईएमआई पार्टी द्वारा पार्षद प्रत्याशी और मेयर प्रत्याशी उतारा जाएगा। जनपद में वार्डों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। नालों का गंदा पानी, सड़कों पर है गंदगी और कूड़े कचरे का भंडार लगा हुआ है और अगर पार्टी मुरादाबाद से जीत दर्ज कराती है तो समस्याओं का समाधान होगा। देखिए, मैं वेस्ट यूपी में अभी 10 से 12 दिन रहूंगा और उस सिलसिले में मैं जो है निकाय चुनाव की तैयारी को चेक कर रहा हूँ और लोगों से मुलाकात भी कर रहा हूँ और ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ। उस सिलसिले में आज क्योंकि मैं यहीं पर रुका हूँ तो ये ऑफिस का इफ्तिताह था, वार्ड के ऑफिस का। तो जिला सदर और शहर सदर हमारे, उन्होंने कहा कि आना आपको निकाय चुनाव के लिए मुरादाबाद से प्रत्याशी उतारेंगे के नहीं। बिल्कुल उतारेंगे, हम मुरादाबाद से मैयम से हम मेयर भी लड़ाएंगे और सारे वार्डों में भी हम जो है अपने पार्षद लड़ाएंगे। आजम खान साहब रिहा हो गए हैं, आपने ऑफर भी दिया था पार्टी में आने के लिए, आपकी पार्टी तरफ से ऑफर गया था तो हमको जो कहना था वो हमने कह दिया, वो उनका फैसला है, वो आते हैं नहीं आते हैं क्या करते हैं। यह है कि मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि अल्लाह ताला ने उनको जेल से रिहा किया और सुप्रीम कोर्ट ने बेहतर फैसला लिया उनके हक में और तमाम लोग खुश हैं इस बात को लेकर के कि एक बुजुर्ग 27 महीनों से जेल में थे और वो जेल के बाहर आए, अपनी फैमिली में गए, उनकी तबीयत भी बहुत खराब थी, अल्लाह उनको सेहत दे, उनको खैरियत से। क्या अपील करना चाहेंगे मुरादाबाद की जनता से निकाय चुनाव को? मैं मुरादाबाद की आवाम से यही अपील करूंगा कि 2022 में आपने बीजेपी को हराने के लिए वोट किया था, आपने अपनी कंडीशन पर वोट नहीं दिया, आपने अपने इलाकों में डेवलपमेंट के नाम पर समाजवादी को वोट नहीं दिया, आप अपने इलाकों में स्कूल के नाम पर वोट नहीं दिया, आप अपने इलाकों में अच्छे पानी अच्छी सुविधा के लिए वोट नहीं दिया, आपने बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी को वोट दिया। लेकिन अब आपको ये समझना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान में अगर जहाँ भी आपके साथ मुसलमान, खास करके मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा, ज्यादतियाँ हो रही है, जो हमारी इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है, ना उसमें अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं, ना मुरादाबाद के एमपी एसटी हसन साहब भी खामोश हैं। वो मुसलमान है, क्या उनको तकलीफ नहीं है, क्यों खामोश है? भाई चलिए आप देख लीजिए, 30-32 MLA समाजवादी पार्टी के हैं, वो भी खामोश है। आप बताइए पूरे हिंदुस्तान में सपा बसपा कांग्रेस कोई भी पार्टी, आप बता दीजिए मुझे, मुसलमानों के मुद्दे पर आवाज़ उठा रही है? एक शख्स आवाज़ उठा रहा है, बैरिस्टर सफी यूसी साहब। तो जाहिर सी बात है कि जो मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहा है तो मुसलमानों के चाहिए कि वो अपने आप को मजबूत करने के लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का साथ दे, बैरिस्टर सफी यूसी साहब के हाथों को मजबूत करें। और जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। वही महानगर अध्यक्ष वकील रशीद ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारी से बात करना चाहते थे, उनसे मुलाकात करना चाहते थे, उन्होंने सबसे मुलाकात करी, सबकी बात सुनी, सबकी बात समझी और हमें आदेश करके गए कि सबको जोड़िए। निकाय चुनाव को लेकर क्या चर्चा रही है? मजबूती के साथ उन्होंने ऐलान किया है कि हम पूरी मजबूती के साथ एक एक वार्ड लड़ेंगे, एक एक वार्ड पर एक एक इंच की लड़ाई होगी। अब जो है वो ये तथाकथित सेक्युलर दल हैं, इन पर हम भरोसा नहीं करने वाले, हम बीजेपी कब तक हराएंगे, हम अपने आप को जिताने का वक्त। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।